देख रही है झूला कोई पसंद आ रहा है पूरा सेट आ रहा है रिया आई हुई है तो रिया सीधे थाना बोला क्रियांश जो है तैयार हो चुका है। बहुत ही मेहनत लगा है इसको तैयार करने में। ऊपर से यहाँ पे बांधने नहीं दे रहा था, काजल नहीं लगाने दे रहा था। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी अभी निकल रहे हैं हम लोग मार्केट। मार्केट से जाकर के जो है जन्माष्टमी की शॉपिंग करनी है। हाँ जी, जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की पूजा भी होनी है घर में, और जिया को अपने लड्डू गोपाल के लिए सामान भी लेना है। और हम लोग सोच रहे हैं कि क्रियांश को भी अगर पॉसिबल हुआ, जिस तरह से सजाया जाता है उनको कृष्ण के रूप में, हम लोग कोशिश करेंगे कि क्रियांश को भी तैयार किया जाए। पता नहीं इस एज में उसके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, वह तो बाद में जाकर के देखेंगे। लेकिन अगर लगा कि सब कुछ सही है, क्रियांश को भी तैयार करेंगे। हमें भी बड़ा मन है कि क्रियांश कृष्ण जी की तरह तैयार हो, देखते हैं। जन्माष्टमी के समय जो है बहुत लोगों को देखा करते थे अपने बच्चों को जो है कृष्ण की तरह जो है सजाते थे, और बड़ा ही प्यारा लगता था, बाल गोपाल का जो वह रूप रहता था। तो हम भी सोचते थे जब हमारा भी कोई बाल गोपाल आएगा तो उसको भी इस तरह सजाएंगे, और अभी मौका आया है तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया, बाबू भी सोया हुआ है और पतिदेव पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको देखते हैं। कुछ काम होगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा देर हम भी रेस्ट करेंगे। तो चलते हैं पतिदेव के पास। पतिदेव क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं काम। अच्छा, ये पूछना था कि आपका हेयर फॉल रुका या नहीं रुका। ऐसी बात पूछ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुखती रग पर हाथ डाल दिया। इतने ज्यादा हेयर फॉल से परेशान थे हम, परेशान थे लेकिन अभी है नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट आया। उसे तुम चेक करना। तो पहले इनका ऐसे बाल टच करते थे ना, हाथ में इतना सारा बाल आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है ना। तो मतलब क्योर स्किन का जो ट्रीटमेंट है काम दिया है। हाँ। तो जी यहाँ पर बात हो रही है क्योर स्किन की। हाँ जी, क्योर स्किन से मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला है। मेरा हेयर केयर का जो प्रॉब्लम था जी, लग रहा था कि यह कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। जब भी नहाने जाओ इतने सारे बाल झड़ते थे, एक बार कंघी करो हाथ में बाल आ जाते थे। तो लग रहा था कि कहाँ जाए, किससे ट्रीटमेंट कराए। जब नेट पर देखते थे तो बहुत सारा एडवाइस, बहुत सारा सजेशन, सब कुछ मिलता था, लेकिन वह जो है और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, क्योंकि सभी एक दूसरे के सजेशन को जो है काट रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसा करते हैं जो हेयर केयर एक्सपर्ट है सीधा उसी से बात किया जाए। फिर जी मुझे ध्यान आया क्योर स्किन का, कि क्योर स्किन में जो है वहां पर स्किन के साथ साथ हेयर का भी ट्रीटमेंट होता है। वहां पर आपको डर्माटोलॉजिस्ट असाइन किया जाता है, और जो मेरा स्किन केयर का जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा ओपन पोर्स का समस्या था, वह काफी हद तक क्योर स्किन से जो है मुझे उससे राहत मिली। तो जी इस बार मैंने फिर से क्योर स्किन से ट्रीटमेंट लिया। यहाँ पर जो है सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि वह आपके स्कैल्प का फोटो मंगाते हैं। स्कैल्प का फोटो मंगाने के बाद उनका जो AI है वह आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है। फिर उसके बाद जो है आपको एक डॉक्टर असाइन किया जाता है। फिर जो है वह आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड रहता है। जब आपको उनको सारा अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, सब कुछ डिटेल दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको एक किट दिया जाता है, और वह किट जो है आ जाता है 1499 में। उसमें जो है कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट रहता है, और वह लास्ट कर जाता है कम से कम 2-3 महीने तक, जो कि मुझे लगा कि पॉकेट फ्रेंडली है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर आपसे फॉलो अप लेते रहते हैं हर वीक, और उस फॉलो अप कंसल्टेशन का आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सुविधा है। और मुझे नहीं लगता है कि क्योर स्किन ऐप के अलावा यह किसी भी और जगह आपको ऐसी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए जो भी किट होता है वह तो आपको दिया ही जाता है। साथ ही और क्या अच्छी बात लगती है कि वह आपको यह भी बताते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल का रूटीन कैसा होना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए। मतलब एक जो कम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है, एक होता है जी बाहर से ट्रीटमेंट होता है, एक होता है कि पूरा अंदर से क्योर करना। तो जी क्योर स्किन ऐप से जी आपको कम्प्लीट ट्रीटमेंट मिलता है। और जी जैसा कि अभी मौसम चल रहा है गर्मी का, इस गर्मी के मौसम में जी बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। ऊपर से चले जाइए डॉक्टर के पास, तो वहां पर जाकर नंबर लगाओ। नंबर लगाने के बाद जो है उसके वहां पर इतने सारे पेशेंट रहते हैं कि वह कभी पेशेंट को जो अच्छे से समय भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहां पर क्योर स्किन ऐप में मैंने देखा कि डर्माटोलॉजिस्ट जो भी थे यहां पर मुझे प्रॉपरली टाइम दे रहे थे, मेरा जो भी प्रॉब्लम था उसको सुन रहे थे। तो जी मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये घर बैठे बैठे अपना और एक अच्छा सा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप तो क्योर स्किन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। उसका लिंक हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप जो है क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आप हमारा कूपन कोड ऑर्डर करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा GSR 100। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जी आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो चलते हैं जी नीचे, बाइक इधर लगी हुई है, निकालते हैं इसको। हम लोग पहुंच गए हैं जी मार्केट, और यहां पर कर रहे हैं जन्माष्टमी की खरीदारी। देख रहे हैं बहुत सारी जो है शॉप है कुछ एक्स्ट्रा खुल गए एकदम रोड के सामने ही, वरना थोड़ा अंदर जा करके एक है दशकर्मा भंडार, वहीं पर जो है लगभग 9-10 दशकर्मा भंडार है, तो वहीं से लिया करते थे। लेकिन देख रहे हैं कि फ्रंट में भी अच्छा खासा खुल गया है, तो भी बाहर से ले रहे हैं, मालूम है अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होगी।
खुशियाँ ले रही है जी। यहाँ पर खुशियाँ देख रही है, झूला कोई पसंद आ रहा है, पूरा सेट आ रहा है। खुशियाँ आई हुई है यहाँ पर। बड़ा गोपाल का है ना उठ रहे। बहुत घूमने के बाद ही एक झूला जिया को पसंद आया है कि वहाँ यहाँ ले रहे हैं हम ड्राई फ्रूट ले ली। अब उसके बाद फल सब भी लेना है, लेकिन इतना सामान जो ढोएंगे कैसे, हम तो ये लग रहा है ये तो किसी बैग में आया नहीं, इसको हाथ में कैरी करना होगा। हम आपके हाथ में ले लेंगे ना। यहाँ से जी जिया ने एक लाइट भी ले लिया है, मिल गया मन पसंद का लाइट। ये अल्फाबेट वाला भी है, तो क्या ले लिया ये पेपर कलर वाला। हैप्पी बर्थडे का स्टिकर है क्या? खुद ही सारी खरीदारी तो हो गई, अभी यहाँ ले रही है पान बस कुछ सारी नहीं हुई है, अभी फल बाकी है, लेकिन इतना सारा कैसे ले जाएंगे। तो पति देव बोले सुबह लेके आएंगे, सुबह में से मार्केट खुलता है, सही रहता है, स्टॉक भी अच्छा रहता है उस समय। जी हमारी हो गई सारी शॉपिंग, फल सब है वहाँ, सब तो कर लेंगे। मम्मी कहती कि पनीर की सब्जी उठा करके लेते हैं ना, आज मम्मी का खाना बनाने का मन नहीं है तो पनीर उठा करके ले रही है जी। और यहाँ का जो खाना देखे जी, एकदम घर जैसा स्वाद लगता है। यहाँ कोई भी जो है पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, जेन्यूनली मैं रिव्यू दे रहा हूँ जी। सच में अच्छा है जी, कोर्ट के पास में एक रेस्टोरेंट अभी नया नया खुला है तो अच्छा है, अगर इस क्वालिटी को मेंटेन रखे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर हम देखे हैं कि जब जिनका भी रेस्टोरेंट खुल रहा होता है, ढाबा खुल रहा होता है, शुरुआत में बड़ी ही अच्छी क्वालिटी देते हैं और अच्छा ही सर्विस रहता है, फिर जैसे ही उनका चल जाता है और अच्छा खासा नाम हो जाता है, क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाता है। और यहाँ कटिहार के शहर में ऐसे कई सारे एग्जांपल देखा हूँ। अच्छा डिग्गी में रख। तो जी हमारा सामान तो आ गया है, अब चले। The next day. तैयार हो चुका है, बहुत ही मेहनत लगा है इसको तैयार करने में, ऊपर से यहाँ पे बांधने नहीं दे रहा था, काजल नहीं लगाने दे रहा था। ये देख सकते हैं क्रियांश को। जैसे नारायण आप खुद है वैसा बुद्धिमान इसको बना दीजिएगा, संसार के सभी दादी का पोता को इसी तरह बनाए जैसा मेरा पोता है। है कि ना बड़े थे हंसी है कि ना बसा भाई है कि ना बड़ी हंसी सुबह पिता बोतल ना बोतल मजूद पिता हाँ ये काली माँ है ना हंसते रहे सब बिचारे ये भगवान का ना है ना हंसे दादी सीरियस है देवी सीरियस है इन्हें पता और दिया किस लिए को बेटा दादी का अपने संग में ले नहीं बुला के तीनों भाई का ना बन जाए तीनों भाई कौन कृष्ण सुदामा तीनों भाई तुम बन जाएगा दादा बन रहा हूँ पुबा पिटर है इन्हें पता और दिया किस लिए को बेटा दादी का अपने संग में ले नहीं बुला के तीनों भाई का ना बन जाए तो भाई कौन कृष्ण सुदामा तीनों भाई तुम बन जाएगा दादा बन रहा हूँ पुबा पिटर है पुबा पिता कथी खुशी में आए की घुमा ले जाचो बाबू घूमने जाते हो आप कहाँ जा रहे हो बाबू ऊपर जा रहे हो घूमने में वहाँ बहुत धूप है और गर्मी भी लगती है। तो जी अभी आप देख रहे होंगे मोलू के यहाँ पर, तो मोलू आया हुआ है जन्माष्टमी के अवसर पर और हम लोग को जो है थोड़ा सा सजावट करना है। हमें तो कोई आइडिया है नहीं, जिया हम लोग को सजेस्ट करेगी कि क्या कैसे सजाना है, हमें तो बस है कि सामान ला करके रख देंगे, जो बोलेगी हम कर देंगे। और बलून फुलाते फुलाते जो है थोड़ा सा लग रहा है गाल दर्द करने लगी है, तो सोच रहे हैं आज जो है बलून फुलाने का मशीन ही ले लिया जाए, मार्केट में देखते हैं अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, और अगर नहीं मिला तो आज वैसे ही काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम से जो है वह मशीन रहेगा हम लोग को, क्योंकि ऑनलाइन तो अवेलेबल मिल जाएगा। पहुंच गए जी मार्केट और चलते हैं सीधा अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर मिल जाए सामान, तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत ही उम्मीद से आए हुए हैं। और कुछ बलून सब भी लेना था, वह सब भी घट गया था, तो लेते हैं।
बलून हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे है ना कृष्ण जी का। हम लोग को एक जगह तो मिल गया था मशीन, लेकिन प्राइस सीधा डबल था। हाँ, तो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें जो है क्या दो मोटर है इसे कुछ कह रहा था, उसका कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज बता रहा था, अब पता नहीं। अब हम लोग को देखिए जी, खोज रहे हैं, हम लोग का तो घर का पर्पस है, प्रोफेशनल पर्पस है भी नहीं। बोला था प्रोफेशनल सब लेके जाता है, डेकोरेशन वाला सर। डेकोरेशन वाला वाला दीजिए तो बोलता है वही भी नहीं किया, देखते कहीं और मिल जाए। क्वालिटी बहुत बढ़िया हैवी है, खराब जल्दी नहीं होता है। क्या प्राइस है इसका? ये 1450 का पड़ेगा ऑनलाइन में तो। हाँ, ऑनलाइन छोड़िए ना भैया, ऑनलाइन पिछली बार सिल्वर और गोल्ड ले लेते हैं, रेड और व्हाइट ले लो तकरीबन हमको भी। यहाँ पर एक मशीन मिल गया है, अब इसकी की जाएगी टेस्टिंग, तो देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो ले लिया जाएगा इसे। तो उम्र 20 साल 25 साल हो जाता है, यानी हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, मशीन आपके पास ले जाता है। सेफ्टी चाहिए बस, कभी संजोग पार्टी सबने इंसिडेंट किसी के साथ हो सकता है, वो अलग चीज हो जाता है। अब संजोग हाँ। आपका खराब हो जाए, वो अलग हीलिंग खराब जैसे नहीं होता। तो फाइनली जी एक मशीन जो है पसंद आ गया है और उसको टेस्ट किया गया तो पाया गया कि सही ही है, और जो रेट था बाकी सब दुकान के मुकाबले हमें यहाँ पर थोड़ा सा लगा कि बजट फ्रेंडली है, तो यहाँ पर लिया जी और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भाई साहब से रिक्वेस्ट करें कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो मिल जाए तो अच्छा ही है। आपका क्या डॉटेड टेप कल लिए थे आप? कल लिए ना, लिए थे, बस मशीन का एक्सपीरियंस सही रहे। आज फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, अभी ही करेंगे, चलो अभी यूज बुझाया तब चार को फुला, उसके बाद यहाँ दर्द करने लगा, लगाना पड़ जाए बिल्कुल। रेगुलर कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है, इवेंट होता ही नहीं होता है तो आना पड़ता है। तो ले लिया जी हमने सामान, अब जल्दी से चलते हैं घर, और जहाँ से हमने सामान लिया भाई साहब ने कुछ डिस्काउंट भी दे दिया। हम लोग लगता है पूरा फलपट्टी में जहाँ भी घूमे होंगे इस मशीन को लेकर के। फालतू है बुक है, आप जब आए थे तो आपको आना था यहीं पे। अच्छा, हमको क्या मालूम था कि इनकी यहाँ पे वो मशीन होगा, यहाँ पर जो है सभी जगह से सस्ते में मिल गया, सबसे कम वही तो सब अनाज लगा रहा था, हर जगह से कम रहा था कि जन्माष्टमी है लोग तो लेंगे ही। लूट ले आज, लूट ले आज, लेकिन उन्होंने जेन्यून रेट लगाया।